Today, we are going to finish up with zygomatic complex fractures. Saad is not here. Saad जो है वो अभी नहीं आया. साद नहीं आया ना अभी तक. आवाज ठीक आ रही है सबको? यस सर। यस ओके, वी गोइंग टू फिनिश अप जाइगोमेटिक कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर्स इंशाल्लाह, एंड देन वी गोइंग टू डिस्कस आवर टेक्स्ट बुक्स कि हमने एग्जाम के लिए कौन सी टेक्स्ट बुक, कहाँ से कितने टॉपिक करने हैं, क्या करना है. ओके, लेट्स जस्ट क्विकली रिवाइज फिर से एक दफा. ठीक है, जाइगोमेटिक कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर्स आर वेरी कॉमन बिकॉज ऑफ देयर एनाटमी, बिकॉज ऑफ देयर लोकेशन, बिकॉज ऑफ देयर प्रोमिनेंट पोजिशन ऑन द फेस. देयर आर फोर आर्टिकुलेशन ऑफ जाइगोमेटिक कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर. चारों आप लोग मैंने बताई थी, आपको याद है. इसमें फोरमेन होता है, मसल अटैचमेंट्स होती हैं विच प्ले अ रोल. ओके, डेट आ रहे हैं अभी भी. ओके, then we discuss the Whitnell's tubercle which has a role in the orbital floor fracture and protecting the eyeball by supporting a very thin sheet of ligament called the suspensory ligament of Locmut which breaks whenever there is increased intraglobe pressure by direct or indirect injury to the eyeball. कॉमन फ्रैक्चर साइट जो है वो ये सारी होती हैं. जाइगोमेटिक चारों आर्टिकुलेशन वाली जगह जो है ना वो टूट सकती हैं. ठीक है, एंड ऐसी सिचुएशन के अंदर वी नीड टू डिसाइड कि हमने कितने पॉइंट्स पर फिक्स करना है. ठीक है, आपको याद होगा मैंने डिस्कस किया था 1 पॉइंट वर्सेस 2 पॉइंट वर्सेस 3 पॉइंट फिक्सेशन. समटाइम्स वी इवन फिक्स एट 4 पॉइंट्स. सिम्टम्स आ रहे थे, हमने डिस्कस किए थे. सबसे पहले ये देखो, ब्लैक आई है जी. ओके, ब्लैक आई हो सकती है, पेरियोर्बिटल एडिमा हो सकता है. इसकी वजह बताई थी मैंने, आई होप बताओ. सबकंजक्टिवल एक्मोसिस, मैलर डिप्रेशन, स्टेप डिफेक्ट्स. एक्मोसिस, मैक्सिलरी बटरेस रीजन. Let's meet Saad, the host. Okay. Saad, mute करो यार. सलाम, mute कर लो अपना mic. Okay. Less common findings are anophthalmos, sometimes even exophthalmos. अच्छा, मुझे को बता सकता है कि एक्सोफ्थैल्मस क्यों होगा और एनोफ्थैल्मस क्यों होगा? दोनों बताएं मुझे कोई. सर, बल्बल हेमरेज की वजह से प्रेशर होगा, उसकी वजह से आईबॉल प्रोट्रूड करेगा. ओके, रेट्रो बल्बल हेमरेज की वजह से एक्सोफ्थैल्मस हो सकता है. सही कह रही हो. फिर बट किरत, जरूरी नहीं है कि सिर्फ रेट्रोबल्बर हेमरेज की वजह से एक्सोफ्थैल्मस हो. ठीक है, कुड बी टू अदर रीजन. बात यह है कि एनोफ्थैल्मस या एक्सोफ्थैल्मस क्यों होगा, इसकी इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये है कि व्हेन द इंट्रा ऑर्बिटल वॉल्यूम डिक्रीजेस, व्हेन द इंट्रा ऑर्बिटल, अभी मैं ग्लोब की बात नहीं कर रहा हूँ, ऑर्बिटल, जब व्हेन वी से ऑर्बिटल वी मीन द बोनी ऑर्बिट, व्हेन द इंट्रा ऑर्बिटल बोनी ऑर्बिट उसका वॉल्यूम जब डिक्रीज करता है तो क्या होगा, एक्सोफ्थैल्मस होगा या एनोफ्थैल्मस होगा? There will always be
तो ना जगह कम हो गई तो आई बॉल ने कहीं तो जाना है ना, जगह अगर कम हो गई तो बट वेन एवर देर विल बी इंक्रीज इन वॉल्यूम. अभी भूल जाओ फ्लोर फ्रैक्चर ये वो सब भूल जाओ, और जब भी इंट्रा ऑर्बिटल वॉल्यूम इंक्रीज करेगा यानी कि बढ़ गया स्पेस, तो क्या होगा, हमेशा एनोफ्थैल्मस आंख और अंदर चली जाएगी, स्पेस बढ़ गया अंदर का. ये कॉन्सेप्ट सबको समझ आ गई बात? ये कॉन्सेप्ट उल्टा नहीं हो गया? यस, ये मुझे भी उल्टा लगता था हमेशा से. देखो इसको इस तरीके से समझो कि मैं बताता हूँ, देखो आएगा. ओके ये है ना, अभी हम ऑर्बिटल फ्लोर फ्रैक्चर्स आगे करने लगे हैं, मैं तुम्हें आगे जाके बताता हूँ, ठीक है? मैं भी बताता हूँ आगे, पिक्चर्स के साथ आ रहे हैं. ओके सो क्लासिफिकेशन के अंदर थे नाइट एंड नॉर्थ के अंदर, अनडिस्प्लेस्ड आर्च फ्रैक्चर, अनरोटेटेड बॉडी फ्रैक्चर, मीडियली रोटेटेड बॉडी, लैटरली रोटेटेड बॉडी एंड द कॉम्प्लेक्स कॉम्यूनेटेड फ्रैक्चर्स. ये किसी को पता है? मैंने एक और क्लासिफिकेशन बताई थी मैनसन एट ऑल, वो क्लासिफिकेशन किसी को याद है? मैंने क्या बताया था, क्या होता है? आपने बताया था लो एनर्जी, मीडियम एनर्जी और हाई एनर्जी, इसमें आपने थ्री क्लासिफिकेशन बताई थी. यस वेरी गुड. आमना जो मैनसन है ना, डॉक्टर मैनसन, उन्होंने उनके उनके पेपर्स हैं ट्रॉमा में बहुत सारे, एंड उस स्पेशली गन शॉट वुंड्स वगैरह में, ठीक है, उनका बहुत काम है. तो ही केम अप विद दीज क्लासिफिकेशंस ऑफ एनर्जी एवरीवेयर. इसके अलावा भी जितने कहीं पे आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए ना फ्रैक्चर की क्लासिफिकेशन का, उसमें तकरीबन हर बोन की क्लासिफिकेशन में एनर्जी इन्वॉल्व होगा ना, तो मैनसन ने जरूर उसमें कॉन्ट्रीब्यूशन मैनसन की जरूर होगी. ओके हमने एग्जामिनेशन के अंदर एक जैगोमेटिक कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर के अंदर हमेशा वी स्टार्ट विद द हिस्ट्री एंड देन वी मूव ऑन टू द जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन फॉलोड बाय एक्स्ट्रा ओरल एग्जामिनेशन. एक्स्ट्रा ओरल एग्जामिनेशन के अंदर वी विल डू इंस्पेक्शन देन पैल्पेशन, इंफीरियर रिम्स को चेक करेंगे, आपको स्टेप मिलेगा, स्टेप होगा या नहीं होगा, सूचर सारे पैल्पेट करेंगे, ग्लोब की पोजिशन देखेंगे, एनोफ्थैल्मस ऑब्वियसली देख लिया, एक्सोफ्थैल्मस भी देख लिया, आई एग्जामिनेशन तो करनी ही करनी है. फोर्स रिडक्शन टेस्ट मैंने आपको बताया था, दिस वॉज डन टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन एडीमा या मसल या फैट एंट्रैप्ड इन द फ्लोर वर्सेस एनी नर्व इंजरी, ठीक है? आई होप ये सबको पता होगा, सबको आता होगा. बायनोक्युलर हो सकता है, मोनोक्युलर हो सकता है, सारी हमने नर्व्स टेस्ट की, नर्व्स, ठीक है. वी चेक फॉर सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर सिंड्रोम एज वेल, वाटर्स व्यू बेस्ट व्यू होता है इसके लिए, टू सी टू 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 अवॉइड द ओवरलैपिंग ऑफ द स्कल बेस विद द जाइगोमेटिक कॉम्प्लेक्स. सारे सूचर नजर आते हैं वाटर व्यू के अंदर. एक्सक्यूज मी सर. यस sir, you mentioned anisocoria, so is that the fracture of the ligament of the Lockwood? No. Okay. I mentioned anisocoria. Yes, you did. Okay. Anisocoria hota hai, pata nahi maine kab kiya, lekin anisocoria is basically difference in size of both pupils. Acha isme hoga fir kahin pe nerve injuries ke andar aa raha hoga anisocoria, kahan pada hoga. Sorry, it's not written in the slides. आपने जैसे epiphora के बारे में बताया था, and hurdles and हाँ मैं आपको yeah and isocoria yes. basically difference in the size of both pupils, ठीक okay और वो pupillary dilation, dilated pupillary muscles को जो constrictor pupillary muscles हैं उनको supply करती है oculomotor nerve, ठीक है. So if there is injury to the oculomotor इंजरी टू द ऑक्यूलोमोटर नर्व, तो उसकी वजह से क्या होगा, थर्ड नर्व इंजरी अगर होगी, नर्व पाल्सी होगी, तो उसकी वजह से टोसिस तो हो रहा होगा, और जब आंखें खोलेंगे ना पेशेंट की, तो वी विल सी डायलेटेड ट्यूब, ठीक है. ओके डायलेटेड
constrictor pupil muscles will be paralyzed and that will result in dilation of the pupil. And dilation jo pupil ki hogi that will be reactive to light. Reactive to light ho ya na ho isme kya fark hota hai? Sir, can you kindly repeat? जो dilated pupil होगा ना जब उसके ऊपर हम light मारेंगे ना torch से तो वो constrict कर जाएगा. इसका क्या मतलब है? Reflex mechanism है ताकि light कम enter हो. सर इसका मतलब है accommodation अभी भी हो रही है. Body मतलब optic nerve सही से stimulate करी रही है. No problem in the optic nerve. Wait तुम लोग confused हो रहे हो. Let me rephrase my question. पेशेंट की आंखें हमने दोनों चेक की, ठीक है? उसमें से जो एक आंख था ना वो उसकी टोसिस हुई हुई है, उसकी ऊपर से ना लिड नीचे आई हुई है. आपने लिड ऊपर की और हमने देखा डायलेटेड प्यूपल है, ठीक है? आपने लाइट मारी उसके उस प्यूपल के अंदर, वो प्यूपल डायलेटेड ही रहा, ठीक है? लेकिन जो ऑपोजिट आई का प्यूपल है वो कंस्ट्रिक्ट कर गया, ठीक है? इसका क्या मतलब है? सर यूनिलैटरल नर्व इंजरी आई नॉर्मल है. इसका मतलब है कि सभी मसल्स जो है ना एक आंख के ठीक है, एक आंख के ठीक नहीं. अकोमोडेशन तो दोनों आंखों में है. यस, आप सब लोग ठीक है. देखो दैट मींस कि थोड़ा सा इसको क्लियरली बोलो, एग्जाम में तुम लोग थोड़ा सा यू वांट टू बी क्लियर. सर ये कंसेंशुअल लाइट फॉर रिफ्लेक्स ही होता है, जिसमें आप एक में करते हैं तो दूसरे में भी रिफ्लेक्स आता है. बिल्कुल सही है. तो कंसेंशुअल जो है लाइट रिफ्लेक्स दैट इज ऑन, बट डायरेक्ट लाइट रिफ्लेक्स इज ऑफ. दिस फिनोमेना इज कॉल्ड अ मार्कस गन प्यूपिल, MARCUS स्पेस GUNN प्यूपिल. तुम लोगों के जो फाइनल ईयर लेवल है इसके लिए थोड़ी सी ज्यादा कॉम्प्लेक्स बातें हैं. मार्कस गन प्यूपल आपसे कोई नहीं पूछेगा, लेकिन चलो जो इंटरेस्टेड है उसको मैं बता रहा हूँ. मार्कस गन प्यूपल इज बेसिकली व्हेन द डायरेक्ट लाइट रिफ्लेक्स इज ऑफ बट द कंसेंसुअल लाइट रिफ्लेक्स इज ऑन. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि डायरेक्टली आंख के अंदर लाइट गई है और तो प्यूपिल डायलेट नहीं किया. इसका मतलब है ऑक्युलोमोटर नर्व इज इंजर्ड ऑफ दिस साइड. दूसरी की लाइट जो है ना दूसरी साइड की का प्यूपिल कंस्ट्रिक्ट कर गया है, दैट मींस दूसरी साइड की ऑक्युलोमोटर नर्व इज इंटैक्ट. बट जो सेम आंख है ना जिसका जिसके अंदर से जिसकी डायलेशन हुई हुई है उसकी ऑक्युलोमोटर खराब है लेकिन उसकी ऑप्टिक ठीक है. ऑप्टिक नर्व इज फाइन, दैट मीन्स के ऑप्टिक नर्व जो है वो सेम साइड की जब ठीक है तभी तो अंदर लाइट का स्टिमुलस गया, तभी दूसरी साइड की हुई है ना. तो दैट मींस कि ऑप्टिक इज फाइन, ऑक्युलोमीटर इज नॉट फाइन. इन कंट्रास्ट टू दैट समटाइम्स व्हाट कैन हैपन इज कि आप टोसिस होगी, यू विल प्लेस द लाइट इन द सेम प्यूपिल, इप्सिलैटरल प्यूपिल जहाँ की डायलेशन हुई है, और दूसरी साइड जो कंसेंसुअल लाइट रिफ्लेक्स है वो ऑन नहीं होगा. इसका क्या मतलब है? सिर्फ ऑप्टिक नर्व भी डैमेज्ड है. एब्सोल्युटली, कि वो ऑप्टिक नर्व भी डैमेज्ड है, ऑक्युलोमोटर नर्व भी डैमेज्ड है. इसका मतलब कि इंजरी हाई एनर्जी फ्रैक्चर है मोस्ट लाइकली, या हाई एनर्जी इंजरी थी. ग्लोब रप्चर के चांसेस हैं क्योंकि आई जाया हो चुकी है मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है? तो एन आइसोकोरिया इज अ कंडीशन जिसके अंदर आप पेशेंट के प्यूपल्स का साइज आपस में बराबर नहीं होता. इट कुड बी दैट उसके उसके आई वाले रीजंस भी हो सकते हैं जिसके लिए यू विल नीड टू रेफर द पेशेंट टू एन ऑप्थल्मोलॉजिस्ट, और उसका दूसरा रीजन हो सकता है कोई और, यानी कि जिस तरह कोई इसी तरह नर्व इंजरी की वजह से, ठीक है? व्हाट इज यू सबमेंटो वर्टेक्स कराया फॉर आर्च फ्रैक्चर्स, ठीक है? एपी कराते हैं कभी कभी. सीटी स्कैन के अंदर we need to see axial and coronal sections especially. Okay, indications of surgery ke andar humne baat ki thi ke there are aesthetic indications and there are functional indications, theek hai? Iske alawa aur koi indication nahi hoti, theek hai? Either you do it if there is loss of function or you do it if there is any aesthetic problem, theek hai?
टाइमिंग फॉर सर्जरी में रहता था अर्ली किया जाता है कि या तो जल्द से जल्द करते हैं विद इन द फर्स्ट 12 टू 24 आवर्स सो दैट द एडिमा इज नॉट देयर एंड इफ अगर करनी है तो दो तीन दिन बाद से सर्जरी नहीं करते देन वी वेट फॉर 7 to 14 days तब एडिमा सेटल डाउन हो चुका होता है तब करते हैं. सर्जिकल अप्रोचेस के अंदर थी एंटीरियर एंड पोस्टीरियर या ओपन एंड क्लोज्ड. ठीक है, क्लोज्ड के अंदर हमने बात की थी वी कैन डू क्लोज्ड विद गिलीज अप्रोच के टेम्पोरल से जाके हमने मिनिमल एक्सल इंसिजन दिया और रोज एलिवेटर के साथ जाके जाइगोमा को लिफ्ट कर दिया. ठीक है, एंड इंट्राओरल अप्रोच हो सकती है दैट इज एन ओपन अप्रोच. इसके अंदर हम लोग इंसिजन दे के काफी ज्यादा पूरा जाइगोमा ओपन कर देते हैं डायरेक्टली ओपन. हम इसको ओपन देखो गिलीज में भी कर रहे हैं लेकिन मिनिमल कर रहे हैं 2 centimeters छोटा सा ओपन करके अवे फ्रॉम द फ्रैक्चर साइट ओपन कर रहे हैं. ठीक है, तो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि इसको आपको ये ओपन है या क्लोज है. इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यू शुड नो कि इट द इंसिजन लाइज अवे फ्रॉम द फ्रैक्चर लाइन एंड इन दिस इंट्राओरल अप्रोच द इंसिजन लाइज राइट एट द फ्रैक्चर लाइन. इसमें हमें सामने फ्रैक्चर भी नजर आ रहा होता है. ठीक है, इंट्राओरली हमने इसको चेक कर लिया. कैरल जेरार्ड स्क्रू इज अ टेक्निक. इसके अंदर ना दिस इज बेसिकली फॉर रिडक्शन. ये सारी टेक्निक्स मैं आपको ना रिडक्शन के लिए बता रहा हूँ, हाउ टू ब्रिंग द जाइगोमा बैक टू इट्स नॉर्मल पोजिशन. ठीक है, एंड जे शेड हुक, दिस इज ऑल्सो अ क्लोज टेक्निक. मिनिमल स्टैब इंसिजन दिया जाता है एंड वी प्लेस दैट हुक राइट ऑन द अंडरनीथ द जाइगोमा एंड लिफ्ट इट अप. ठीक है, नाउ ओपन रिडक्शन कर ली. करने के बाद हमने वी नीड टू फिक्स द फ्रैक्चर. नहीं, सबसे पहले हमने ओपन किया फ्रैक्चर को, वी रिड्यूस्ड इट एंड देन वी विल ट्राई टू फिक्स इट. ठीक है, अब जो फिक्स करना है ना वो फिक्स कैसे करना है, वी नीड टू डिसाइड 1 point करना है, 2 point करना है, 3 point करना है. इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द डिग्री ऑफ इंजरी एंड द स्टेबिलिटी ऑफ द फ्रैक्चर. ठीक है, ओके, दिस इज द एल्गोरिदम. यार ये जो एल्गोरिदम है ना ये आप लोगों को मैं पढ़ा तो रहा हूँ बट दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज बिकॉज ये आपके फाइनल ईयर लेवल पे इतनी ज्यादा डिसीजन मेकिंग आप लोगों से पूछेंगे नहीं. ठीक है, बट कुछ पता नहीं, एग्जाम पेपर बहुत मुश्किल आ रहे हैं यार. ठीक है, यू गाइज नीड टू हैव एन आइडिया कि वट इज देन बट हाउ डू यू डिसाइड कि मैंने कैसे ट्रीट करना है इसको. If the fracture is minimally displaced, there is no functional or aesthetic concern. Obviously, closed approach kar diya. That can be either with Gillies or intraorally or Carroll Gerard screw or Mallard hook. ठीक है, किसी भी तरीके से कर सकते हैं. अगर तो zygoma अपनी जगह पे वापस आ जाता है, जबरदस्त हो गया, you stop the treatment there and the patient will be fine. If not, अगर वो नहीं ठीक हो रहा, तो फिर सबसे पहले जो खोला जाएगा ना, ओपन रिडक्शन इंटरनल फिक्सेशन की जाएगी. ओपन किया जाता है इंट्रा ओरल ओपन करके वी कैन रिड्यूस द जाइगोमा एंड फिक्स द फ्रैक्चर. अच्छा, ये वाला काम तब भी किया जाता है व्हेन देयर इज अ कम्युनिकेशन ऑफ द लैटरल एंट्रल वॉल. ठीक है, वो आप लोगों को याद है सीटी स्कैन पे. चलो तुम पीछे जाकर दिखाता हूँ. ये वाली सिचुएशन देखो, ये एंट्रम है ना, लेफ्ट साइड का नॉर्मल है, राइट साइड के साइनस को देखो यहाँ से ये टूटा हुआ है. अब इसको वी कैन नॉट जस्ट रिड्यूस इट एंड स्टेबलाइज इट बाय अ क्लोज्ड मेथड. फॉर श्योर इसके अंदर जो है ना आ रही होगी प्रॉब्लम, एस्थेटिक या फंक्शनल प्रॉब्लम इसके अंदर आ रही होगी. तो वी विल हैव टू ओपन इट अप. इसको कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ द लैटरल वॉल. इस तरह की जब सिचुएशन होगी ना, तो इस तरह की सिचुएशन के अंदर द एल्गोरिथम सेज वी विल ओपन अप द फ्रैक्चर एंड रिड्यूस फिक्स इट. इस तरीके से ये हमने इंटरनली ओपन किया और यहाँ पे एक इन्वर्टेड एल शेप प्लेट लगा दिया. ठीक है, जाइगोमैटिकम एक्सिलरी बट्रस एरिया के ऊपर. अब अगर लेट्स से द सीटी स्कैन शोज कॉम्बिनेशन ऑफ लैटरल इंटरवॉल एंड इंफीरियर ऑर्बिटल रिम एज वेल, देन यू नीड टू ओपन अप द जैगो देन
और ऑब्वियसली जो जाइगोमेटिक को इसके अंदर यहाँ पे मेंशन नहीं हुआ हुआ फॉर सम रीजन कि जाइगोमेटिक को फ्रंटल सूचर भी ओपन होगा. ये थर्ड जो पॉसिबिलिटी होगी ना इसके अंदर ये होगा कि दो सिचुएशंस हो सकती हैं. इधर स्टेप होगा इंफ्राऑर्बिटल रिम पे और इंट्राऑरली जाइगोमेटिको मैक्सिलरी बटरस एरिया पे. तो वी विल ओपन अप बोथ एरियाज एंड प्लेस अ प्लेट देयर. बट अगर फ्रंटोजाइगोमेटिक सूचर पे भी मसला होगा देन इसके अंदर ये बातें लिखी हुई लेकिन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ध्यान से सुनो. अगर तीनों जगह पे फ्रैक्चर है जाइगोमेटिको फ्रंटल सूचर पे भी लेट्स से ये भी फ्रैक्चर है ये भी फ्रैक्चर है और इंट्राऑरली देखो जाइगोमेटिको मैक्सिलरी बटरस एरिया भी फ्रैक्चर है. ऐसी सिचुएशन के अंदर यू विल डू व्हाट यू विल डू इज यू विल एक्सपोज सबसे पहले जाइगोमेटिको फ्रंटल जो है ना ये वाला एरिया यू विल जाइगोमेटिको फ्रंटल सूचर यहाँ पे लैटरल ब्रो इंसिजन देके यू विल ओपन इट अप. जब ये ओपन हो जाएगा ना ओपन करने के बाद वी कैन स्टेबलाइज दिस एरिया विद द हेल्प ऑफ अ ट्रांसओसियस वायर टेम्परेली ना इधर दो सुराख करके वायर के साथ इसको बांध के स्टेबलाइज करेंगे. उससे जाइगोमा लिफ्ट होके अपनी जगह पे रिड्यूस भी हो जाएगा. अगर लिफ्ट होके रिड्यूस अपनी जगह पे नहीं हुआ सही तरीके से मजा नहीं आया तो यू कैन गिव इंट्राऑरल इंसिजन एंड कीन्स अप्रोच के थ्रू यू कैन रिड्यूस इट. अगर कीन्स के थ्रू आपको लग रहा है पेशेंट को चेक किया और वो अच्छी तरीके से उसकी कंपेयर किया दोनों साइड्स को इंट्राऑपरेटिवली और दोनों साइड अभी भी ये डिप्रेस्ड है बहुत ज्यादा देन यू कैन डू टू थिंग्स. यू कैन ईदर डू अ गिलीज अप्रोच एंड लिफ्ट इट फ्रॉम अप from an upward position or you can यहाँ पे जो incision दिया है ना इसी के through एक पतला सा periosteal elevator डालते हैं इधर थोड़ा सा incision थोड़ा लंबा extend करके इस जगह से डाल लेते हैं इस जगह से rose elevator या periosteum elevator या Howard's elevator डाल के इस जगह से lift करने की कोशिश करते हैं. एक और काम मैंने बड़ी दफा किया हुआ है वो ये किया हुआ मैंने कि मैंने zygomatic इंसिजन दिया इसको लिफ्ट किया अब ये लिफ्ट होने के बाद ना मजा नहीं आ रहा सही स्नैप नहीं किया अपनी पोजीशन पे तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे इंसिजन दिया होता है इंट्राऑरल भी इंसिजन दिया होता है मैं यहाँ पे हल्का सा स्टैब इंसिजन देके ना चीक पे लैटरल कैंथस से एक वर्टिकल ड्रॉप करते हैं नीचे की तरफ और लैटर और ये जो बेस ऑफ द नोज है यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल इमेजिनरी लाइन यहाँ से एक लाइन जाती है बेस ऑफ द नोज से लैटरल कैंथस से एक इमेजिनरी लाइन नीचे जाती है जहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है ना वहाँ पे एक इंसिजन छोटा सा दे के यहाँ पे मैलर हुक डाली जाती है और फिर मैं जाइगोमा को लिफ्ट करता हूँ. जब मैं लिफ्ट करूँ ना तो फिर मैं उस लिफ्ट करने के साथ असिस्टेंट को कहता हूँ कि वो नज़र रखे एक असिस्टेंट को बोलता हूँ नज़र रखे इस सूचर पे एक असिस्टेंट को बोलता हूँ नज़र रखे इंट्राऑरल इस सूचर के ऊपर. जब लिफ्ट करें और ये दोनों सूचर्स पे बोन बड़ी ज़बरदस्त आके रिड्यूस हो जाए ना I stop there and slowly release the malar hook. अगर तो slowly release करने से bone वहीं पे रहती है stable रहती है तो I just straight away fix this. And if not, then I keep the malar hook there and then एक technique है वो करके वो क्या technique है आगे पढ़ेंगे हम लोग एक technique है वो लगा के then we fix the bone in that right spot. ठीक है तो उसके बाद फिर आप लोगों ने देखना है कि अच्छा मैं आपको बता ही रहा था कि सबसे पहले यू विल फिक्स जाइगोमेटिको फ्रंटल यू विल टेम्परेरीली स्टेबलाइज दिस एरिया एंड सी दिस वन. अब दोनों अगर रिड्यूस हो गए यू विल प्लेस अ प्लेट हेयर इन द जाइगोमेटिको फ्रंटल सूचर एंड देन इंट्राऑरली यू विल प्लेस अ प्लेट हेयर. नाउ 74% केसेस के अंदर देयर इज नो नीड टू फिक्स इंफ्रा ऑर्बिटल रिम एंड यू फिक्स दिस एंड यू फिक्स दिस एडिक्वेट हो जाता है. बट लाइक आई सेड यस्टरडे सॉरी इन द लास्ट लेक्चर के इफ टू फीट ऑफ अ चेयर आर ऑन द ग्राउंड देयर कैन बी अ चांस के द अदर टू फीट आर नॉट. तो हो सकता है कि ये जाइगोमा इस तरीके से रोटेट किया हुआ हो वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अंदर कि ये दोनों बोन बड़ी अच्छी मिल गई हो बट हो सकता है कि गैप आ रहा हो स्पिनोइड में और इंफ्राऑर्बिटल रिम वाले एरिया में या टेम्पोरल इस वाले एरिया में गैप आ रहा हो. सो ऐसी सिचुएशन के अंदर व्हाट यू कैन डू इज
इंट्रा ओरली जो इंसिजन दिया होता है उसको एक्सटेंड करके या इंफ्रा ऑर्बिटल इंसिजन या सब सिलरी इंसिजन देके फिक्स चाहे ना भी करना हो, वी गिव द इंसिजन टू वेरीफाई वेदर इट हैज रिड्यूस्ड प्रॉपरली और नॉट. ओके, आई होप ये सबको बात समझ आ गई होगी. 74% केसेस के अंदर वी ओपन अप, वी गिव दिस इंसिजन, वी गिव दिस, वी इवन गिव द इंफ्रा ऑर्बिटल इंसिजन इन अ हाई एनर्जी फ्रैक्चर. अगर आपको सीटी स्कैन पे नजर आ रहा है कि इधर भी फ्रैक्चर हुआ हुआ है बड़ा, लेकिन थोड़ा बहुत फ्रैक्चर हुआ हुआ है, तो यू विल ओपन इट अप, फिक्स दीज टू एरियाज एंड सी इफ इट इज स्टेबल. इफ इट इज स्टेबल, इफ इट इज स्टेबल तो वी वोंट फिक्स द फ्रैक्चर, वी विल जस्ट फिक्स टू एरियाज. बट इफ इट इज नॉट स्टेबल, देयर इज अ ह्यूज गैप हियर, देन व्हाट यू विल डू इज इस जगह की टेम्पररी स्टेबिलाईजेशन, नीचे वाले एरिया को होल्ड करके रखेंगे. सबसे पहले फिक्स करेंगे जाइगोमेटिक ऑफ फ्रंटल एरिया, फिर इंफ्रा ऑर्बिटल एरिया को फिक्स करेंगे, बिकॉज दीज टू लोकेशंस आर एस्थेटिक लोकेशंस. इस जगह पे गैप नहीं आना चाहिए, इस जगह को पहले हम फिक्स करेंगे. फिर अगर कोई गैप हुआ ना, हो सकता है फ्रैक्चर इस तरह का हुआ हो कि बोन लॉस हो गया हो, ठीक है ना, तो फिर जो कोई गैप होगा ना, वी डोंट वॉन्ट द गैप इन दिस सूचर और दिस सूचर, वी वॉन्ट द गैप इंट्राओरली कहीं पर. गैप हो भी तो खैर है, दैट इज नॉट एन एस्थेटिक लोकेशन. Okay, so we will fix the intraoral part at the end. Okay, and then we will decide about the arch, whether the arch need fixing or not. ठीक है, अब surgical approaches हैं. देखो कि हम ये होती है anterior and posterior. ठीक है, so coronal होगी posterior approach, सब labial होगी या intraoral approach है anterior approach. Transconjunctival is also an anterior approach. Lateral brow is also an anterior approach. Now let's have a look at the posterior approaches, the coronal approaches. Coronal approach is basically we place an incision anywhere between the hairline and the vertex. Vertex मैंने आप लोगों को बताया था, it is top of the skull. ठीक है, इन दोनों के दरमियान we will place incision. ये इसने बिल्कुल straight incision दे दिया. Normally what we do is we zigzag the incision. Slightly इसको टेढ़ा टेढ़ा करते हैं ऐसे ऐसे, that is called the stealth incision. ठीक है, उससे फिर होता ही है कि अच्छा इसके अंदर करना ये है जी कि आपने you have to place the incision not close to the hairline. Hairline कर सकते हैं जरूर, but that is done normally in women. In men you tend to give the incision slightly posterior because there is men के अंदर there is a genetically there is a problem के there is a receding hairline. So after a few years that incision might expose itself. So हम थोड़ा सा posteriorly देंगे और इस incision मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ये सीधा दिया हुआ, ऐसे सीधा नहीं होना चाहिए, ऐसे थोड़ा थोड़ा टेढ़ा होना चाहिए, zigzag किस्म का होना चाहिए ताकि बाद में वो इतना नजर ना आए. अब देखिए होता क्या है कि skin, subcutaneous tissue, scalp की जो layers हैं, skin, connective tissue, एपोनीरोसिस, लूज एल्वियोलर टिश्यू एंड पेरियोस्टियम. सो इसके अंदर हम लोग स्किन करते हैं, कनेक्टिव टिश्यू कट करते हैं, एपोनीरोसिस तक कट करते हैं, एंड देन द लूज एल्वियोलर टिश्यू जो वाली लेयर है ना वो इट इज सो लूज कि हम जस्ट इंसिजन देने के बाद ये जो स्किन होगी ना, जैसे इसको पुल करेंगे ना नीचे की तरफ, ये बड़े स्मूथली इसके ऊपर से उतर जाएगी सारी. ठीक है, तो लूज एल्वियोलर टिश्यू और पेरियोस्टियम रह जाएगा स्कल के ऊपर. मैं अभी आपको दिखाता हूँ आगे जाकर. ओके, सो बेसिकली इंसिजन हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, एंड इफ वी वांट टू एड्रेस द आर्च एज वेल देन वी नीड टू एक्सटेंड दैट इंसिजन इन द प्री ऑरिकुलर एरिया एज वेल. प्री ऑरिकुलर एरिया में जब भी इंसिजन एक्सटेंड करना है तो वी नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट द फेशियल नर्व, बिकॉज फेशियल नर्व निकल के सुपरफेशियल, सो जो ये जो ये तो auricular temporal, this is the branch of trigeminal, but जो facial की branch इधर ये frontalis nerve, ये जो जा रही है ना, we need to protect this nerve because it supply, see it is supplying the orbicularis oculi, और अगर ये injure हो जाए ना तो patient won't be will be unable to close the eye, that can lead to complications. ठीक है, ये देखिए जी incision दिया, expose किया, ये loose aerial tissue और periosteum है. So लेट्स से हमने फ्रंटल बोन में भी कोई ठीक करना था, फ्रंटोजाइगोमेटिक सूचर भी फिक्स करना है और आर्च भी फिक्स करनी है, तो व्हाट वी विल डू इज वी विल प्लेस गिव इंसिजन, गिव द इंसिजन एट दिस पॉइंट. यहाँ इतनी ऊपर इंसिजन देने का फिर कोई फायदा नहीं है,
देखो इनिशियल इंसिजन देके स्किन हमने नीचे कर ली, बट ये जो चीज है ना, ये लूज एरियोलर टिश्यू एंड पेरिओस्टियम, इसमें बहुत ऊपर इंसिजन देने का फायदा नहीं है। इसमें वी विल प्लेस द इंसिजन स्लाइटली इंफीरियरली, यहाँ पे इंसिजन दिया ना, तो फिर ये स्कल एक्सपोज होना शुरू हो गया। इसको एक्सपोज करने के बाद ये जो नर्व आ रही है ना, सुप्रा ऑर्बिटल आर्टरी एंड नर्व, इसको व्हाट वी कैन डू इज कि यहाँ पे बर के साथ बोन को, इसके इस नर्व के नीचे वाली बोन को हल्का सा ट्रिम करके वी कैन रिलीज दिस नर्व एज वेल, सो दैट हमारी एक्सेस और बढ़ जाएगी और भी नीचे खींच सकते हैं फिर हम। देखो यहाँ पे हल्की सी नर्व को इन्होंने यहाँ से करके इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लिया इंसिजन को। खैर ये जब एक्सटेंड हो गया, इसके बाद वी विल प्लेस अ प्लेट हेयर, वी विल प्लेस अ प्लेट हेयर। जो इन्फ्रा ऑर्बिटल इंसिजन, इसको वापस ऊपर किया सब कुछ को, और इन्फ्रा ऑर्बिटल इंसिजन देकर वी कैन फिक्स द एरिया इन द इन्फ्रा ऑर्बिटल रिम एंड इंट्राओरली जाइगोमैटिको मैक्सिलरी बटरस एरिया को भी फिक्स किया जा सकता है। अच्छा, कोरोनल इंसिजन लेने की एक और वजह ये भी होती है, लेट्स से कि गन शॉट वूंड थी, ठीक है, एंड बहुत सिवियर फ्रैक्चर था या हाई एनर्जी फ्रैक्चर था मैनसन वाला, और देयर इज लॉस ऑफ बोन एज वेल, तो वी कैन टेक अ स्मॉल यहाँ से स्क्वायर शेप का ना कैल्वेलियर ग्राफ्ट भी ले सकते हैं। आपने इम्प्लांट्स वाले चैप्टर में पढ़ा होगा कि ग्राफ्टिंग हम कैल्वेरियल ग्राफ्टिंग भी कर सकते हैं, तो वो इस तरीके से किया जाता है। कोरोनल इंसिजन देकर छोटा सा एक बॉक्स बनाया और सर्जिकल सॉ के साथ उस वो वाली बोन ली और वो बोन लेके। अच्छा, ऑर्बिटल फ्लोर का बहुत ज्यादा फ्रैक्चर हो कभी कभी, तो हम ऑर्बिटल फ्लोर को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए भी यहाँ से कोरोनल इंसिजन देकर ग्राफ्ट ले सकते हैं। ओके, ये देखो सुपर ऑर्बिटल नर्व मे बी रिलीज्ड, जो मैं आपको बता रहा था कि उसको इंसिजन दे के उसको नीचे से बोन को ट्रिम करके वी कैन पुल इट डाउनवर्ड्स। हमारा ना लेक्चर खत्म होने वाला है आई गेस 3 मिनट्स के बाद, तो आई विल शेयर अ न्यू लिंक। इसको खत्म करना है यार, हम लोग 45 मिनट हो भी गए अभी तक, तो रिवाइज कर रहे हैं बिल्कुल, नहीं आगे तो आ गए हैं। हेमीक्रोनिक इज बेसिकली जब आधा आधा कोरोनल इंसिजन कंप्लीट दूसरी साइड तक जाए ना, तो दैट इज कॉल्ड अ बाय कोरोनल इंसिजन। हेमीक्रोनिक इज व्हेन यू डू ओनली वन साइड, दिस इज द लैटरल बोन इंसिजन। इसमें करते क्या है जी, जो ब्रो के हेयर है ना उसको शेव बिल्कुल नहीं करना, उसके जो इन्फीरियर पोर्शन है ना, इसमें इसने इंसिजन बिल्कुल ही ब्राओ पे दे दिया। ब्राओ का जो इन्फीरियर मार्जिन है ना, अलोंग दैट मार्जिन वी गिव एन इंसिजन, अ स्लाइटली कर्वी लीनियर इंसिजन, एंड द गोल इज टू रीच द जाइगोमैटिको फ्रंटल सुपर। बड़ा सिंपल इंसिजन, ऐसे इंसिजन दिया, स्किन और सबकुटेनियस टिश्यू राइट अवे पेरिओस्टियम आता है, उसको कट किया और ये नजर आना शुरू कर देता है। सब लेबियल इंसिजन इज बेसिकली इंट्राओरली गए, ये देखो ये इंसिजन दिया एंड ये फ्रैक्चर लाइन हमें नजर आ रही है, एंड दिस इज द इन्फ्रा ऑर्बिटल फोरमेन, और ये नर्व आ रहा है, ये नेजल अपर्चर है, इतना ज्यादा वाइड है, इसको ओपन नहीं करते, थोड़ा सा ओपन करते हैं, लेकिन अगर इन्फ्रा ऑर्बिटल रिम तक देखना है तो फिर वाइड ओपन करना पड़ता है, ठीक है। वी हैव टू प्रिजर्व द इन्फ्रा ऑर्बिटल नर्व। अच्छा जी, अब फिक्सेशन की, हाउ टू फिक्स दैट फ्रैक्चर। अब फ्रैक्चर मिल गया है, रिड्यूस भी हो चुका है, हाउ टू फिक्स दिस, इसको फिक्स करने की टेक्निक ये है कि होल्ड कीजिएगा एक मिनट जी। नहीं नहीं वो रहने दे, थैंक यू वेरी मच, सॉरी जी, हमारी मेड जो थी ना, शी वाज आस्किंग सम क्वेश्चन। मैं कहाँ था यार, अच्छा जी, हमारा ना एक्सपोज हो गया है फ्रैक्चर, फ्रैक्चर एक्सपोज करने के बाद नाउ वी नीड टू हाउ टू फिक्स इट। फिक्स जो है ना, थोड़ा अरसा पहले तक इस वायर के साथ, एक वायर के साथ किया जाता था, नाउ नॉट एनी मोर। हम लोग ना इस दैट इज द नॉन रिजिड टाइप ऑफ फिक्सेशन, हम वायर के साथ फिक्स नहीं करते होते अनलेस वी आर ट्रैप्ड इन एन इमरजेंसी, ठीक है, एंड we can use it to temporarily stabilize. Mini bone plates use की जाती हैं, Steinman pins भी इतनी ज़्यादा use नहीं की जाती, okay? Okay, मुझे को बताएगा यार, साथ बताओ, इसको खत्म करूँगा meeting को, then I will link, share the link again. Yes, sir. Okay.
दोबारा लिंक